हेलो दोस्तों, आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जॉब भंडार को और साथ ही दबाए इस बेल आइकन को। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जॉब भंडार पर। दोस्तों, एक बार फिर से हम आपके लिए एक बड़ी भर्ती की अपडेट लेकर आ चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड भर्ती 2021 के बारे में। इस भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। यहाँ पर पोस्ट है ग्रुप सी, जिसके लिए ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं दसवीं पास। जी हाँ दोस्तों, अप्लाई करने के लिए कम से कम दसवीं पास का होना जरूरी है। दोस्तों, अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फ़ी जमा नहीं करानी होगी। आप इस भर्ती के लिए बिना किसी एप्लीकेशन फ़ी के अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप भी इस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हो और अप्लाई करना चाहते हो, तो अप्लाई करने से पहले आपको जानना होगा इस पोस्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन फ़ीस, सैलरी पैकेज, और जानना होगा आप इस भर्ती के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो, जो कि कंप्लीट डिटेल्स आगे इस वीडियो में मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक। दोस्तों, ये आपके सामने इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसके द्वारा मैं आपको इस भर्ती की कम्प्लीट जानकारी स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। तो चलो शुरू कर लेते हैं बिना वक्त गवाए। यह भर्ती कोस्ट गार्ड के अंतर्गत निकली है। यहाँ पर पोस्ट है ग्रुप सी। जी हाँ दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड के अंतर्गत यह भर्ती निकली है। अप्लाई करने के लिए पोस्ट है ग्रुप सी, जिसके लिए टोटल 11 वैकेंसीज निकली है। जनरल के लिए 8, ओबीसी के लिए 3 वैकेंसीज है। अप्लाई करने के लिए कम से कम 10वीं पास या ITI पास का होना जरूरी है। दोस्तों, 18 से 25 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज काउंट होने वाली है 30 अक्टूबर 2020 तक। सैलरी की अगर बात की जाए, सैलरी आपको यहाँ पर मिलने वाली है 21,700 रुपये लेवल 3 के हिसाब से। दोस्तों, फिजिकल स्टैंडर्ड भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा रखा है। ये डिटेल भी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फ़ी जमा नहीं करानी होगी। आप इस भर्ती के लिए बिना किसी एप्लीकेशन फ़ी के अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन की अगर बात की जाए, सिलेक्शन आपका रिटन टेस्ट, प्रोफेशनल स्किल टेस्ट और फिजिकल फिटनेस टेस्ट के आधार पर होने वाला है। रिटन टेस्ट की बात कर लेते हैं। रिटन टेस्ट में क्वेश्चन आने वाले हैं जनरल नॉलेज से और जनरल इंग्लिश से। लेवल 10 के हिसाब से आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट होगा। जी हाँ दोस्तों, यह रिटन एग्जाम 10 बेस पर ही होगा और इस रिटन एग्जाम में 50 मार्क्स आपके होंगे और यह रिटन एग्जाम 1 घंटे के लिए कंडक्ट होगा। जी हाँ दोस्तों, इसकी ड्यूरेशन रहने वाली है 1 घंटा। स्किल टेस्ट का भी यहाँ पर पैटर्न आपको प्रोवाइड करा रखा है, वो डिटेल भी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। बात कर लेते हैं कि आप इस भर्ती के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। आप इस भर्ती के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको यह एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर लेना है। फिलअप करने के बाद आपको इसमें इसके साथ में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है ऑफिशियल एड्रेस पर। ऑफिशियल एड्रेस है इंडियन कोस्ट गार्ड डिस्ट्रिक्ट नंबर 5, तमिलनाडु नंबर 4 एंड 4A यूजर ऑफिस कॉम्प्लेक्स राजाजी सलाई चेन्नई 60004। जी हाँ दोस्तों, इसी ऑफिशियल एड्रेस पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है। एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करने के लिए लास्ट डेट है 15 फरवरी 2021। दोस्तों, ये थी इस भर्ती की कंप्लीट जानकारी। अगर अब भी आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूँ। वहाँ से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके इस भर्ती की कंप्लीट जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हो और फिर अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपके मन में इस भर्ती से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हो। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी बड़ी भर्ती की अपडेट लेकर आने वाले हैं डेली बेसिस पर।